सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। तो बहुत दिन के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं कुछ एग्ज़ाम्स में अपने बिजी था तो उसके लिए सॉरी। सो आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एक नहीं बल्कि दो तीन ट्रिक्स बताऊँगा। जो आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करते हो तो उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो ट्रिक्स को यूज़ करके आप कैसे व्यूज़ ला सकते हो, तो कुछ ट्रिक्स बताऊंगा वन बाय वन। तो फर्स्ट ट्रिक्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट पहले अपलोडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे अपलोड करना है। सो उसके लिए हम अपने यूट्यूब को खोलेंगे। यहाँ पे आपको अगर कोई वीडियो अपलोड करना है तो आपको सीधा मतलब अपलोड पे, अगर देखो यहाँ पे अपलोड पे गए, आपको सिलेक्ट करना है कोई फाइल, जैसे कि मैं अभी ये वाला कर लेता हूँ फिलहाल आपको बताने के लिए। और टाइटल सबसे पहला ट्रिक यहाँ से यूज करते हैं। आपको कोई भी मतलब वीडियो रिलेटेड है, जैसे कि मेरा अभी वाटर पार्क का था तो इसमें डाला वाटर, सॉरी वाटर पार्क। इसमें आप मतलब आपका जो भी टाइटल यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद क्या यूज करना है आपको, सीधा यहाँ से ये जो हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, ये दोनों तो यूज करना ही करना है। और जो रिलेटेड है आपका वीडियो, जैसे कि वाटर पार्क था तो यहाँ पे हैशटैग वाटर पार्क डाल देंगे। जैसे कि वाटर पार्क है, ये वाटर पार्क डाल देंगे। जैसे कि जो भी है ऐसे वाटर पार्क ऐसे सर्च करेगा तो ये आपका वीडियो उसको रिकमेंड होगा। और रही बात टाइटल की, तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारा भर भर के जितना हैशटैग है डाल देना है। हैशटैग शॉर्ट्स और हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, ये तो कंपलसरी है डालना, डालना ही डालना, तो आपका व्यूज इससे बहुत इंक्रीज होगा। ट्रेंडिंग, हैशटैग वाटर पार्क, हैशटैग वायरल, वायरल शॉर्ट्स, हैशटैग वायरल, ये सब डालने के बाद आप यहाँ से ही तो फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हो लैपटॉप से तो लगा सकते हो यहाँ से। बाकी का आपको तो पता ही है, इसमें अपना कोई भी प्लेलिस्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, डन। जैसे एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट पे, और यहाँ पे ये जो सबसे मेन पार्ट है यहाँ पे आपको नो पे ही रखना है। आप अगर यूट्यूबर हो, बिगनर नहीं हो तो आपको पता ही होगा यहाँ पे आपको नो करना है, बिकॉज अगर यस कर दोगे तो आपका यहाँ पे 18 का आ जाए, 18 के बिलो जो होगा उसको शो करेगा और उसमें आपका कमेंट सेक्शन हट जाएगा। सो आपको यहाँ पे नो करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है। यहाँ आगे बढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पे आपको कॉपीराइट यहाँ पे जो है कि नहीं है वीडियो में, वो आपको चेक करके यहाँ से आपको बता देगा, तो फिर आप अपलोड कर सकते हो। तो यह है पहली ट्रिक। पहली ट्रिक के बाद दूसरी ट्रिक क्या करना है आपको मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाकर बताता हूँ। सो गाइस, सेकेंड ट्रिक के बारे में बात करें तो आपको जैसे कि आपको यूट्यूब स्टूडियो खोल लेना है। स्टूडियो खोलने के बाद आपको जो भी वीडियो पे बढ़ाना है, मतलब जो भी मतलब हर वीडियो पे आपको बढ़ाना ही है। सो वीडियो के जो ये पहले एनालाइज है उस पर हमको क्लिक करना है। इस पे करने के बाद ये जो रीच दिखाता है, जिस ये जो मैं बता रहा हूँ वीडियो को अपलोड करने के बाद कम से कम आधा या एक घंटे बाद ये जो ट्रिक है वो काम करेगा, क्योंकि इसमें जो है सर्च फीड के लिए जो बताता है हमको यूट्यूब रीच में, ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ कहाँ गया, हाँ ये रहा यूट्यूब सर्च टर्म है, ये जो है यूट्यूब प्रोवाइड करता है आपको कि ये वाला जो टाइटल है इसको यूज करके अपने वीडियो को मतलब ज्यादा ऐसा वायरल करवा सकते हो। जैसे कि अब जो भूत कार्टून चिंटू पिंकू वाला केक ये सब है, ये सब जो मतलब इसमें दिया और भी दिया होगा बहुत सारा देता है, तो इसमें से आपको टॉप 5 टॉप 10 ऐसा यूज कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा देगा। ये सब को यूज करके आप अपने डिस्क्रिप्शन में अगर कॉपी पेस्ट करते हो तो आपका व्यूज है जो बहुत मतलब ऐसा फास्ट ग्रो होगा। जब को मैं दिखा दिखा देता हूँ, फर्स्ट टर्म के लिए जो टाइटल्स दिया हुआ था यूट्यूब के तरफ से वो जो था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया था, और ये जो डिस्क्रिप्शन का मैंने बताया था ये सब हैशटैग यूज करने के लिए, तो ये तो आपको करना ही करना है। ये करोगे तो मतलब 50% तो चांस बढ़ी जाता है वायरल होने का वीडियो, अगर आराम से 5K व्यू आ सकते हैं आपके वीडियोज पे। तो ये देख सकते हो ये जो बताया था मैंने टॉप 10 जितने ऐसे यहाँ पे लेके पेस्ट कर दिया है, इसके वजह से आपका वीडियो बहुत मतलब जल्दी फास्ट होगा और जो भी सर्च करेगा आपका वीडियो रिकमेंड करेगा वहाँ पे। उसके बाद इसको सेव कर देना है। और अगर दोस्तों थर्ड ट्रिक के बारे में बात करें तो आपका वीडियो का जो लेंथ है 15 सेकेंड से नीचे रखना, ताकि पब्लिक बोर ना हो। अगर कोई सस्पेंस वाली वीडियो है तो आप रख सकते हो 15 सेकेंड का ऊपर, जैसे कि आप टेक बता रहे हो, टेक की चीज़ें बता रहे हो या फिर और कुछ मतलब सस्पेंस टाइप का कुछ स्टोरी बता रहे हो तो आप रख सकते हो 15 सेकेंड के ऊपर।
लेकिन आपका एंटरटेनमेंट पर्पस पे है, ऐसा है छोटा मोटा, तो उसमें 15 सेकंड का नीचे रखोगे तो वायरल होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपका लेंथ हमेशा 15 सेकेंड ही रखना। और फोर्थ ट्रिक के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको पहले जैसे आप वीडियो अपलोड करते हो, आपके अपने आसपास में 2 मोबाइल रखना है या 1 मोबाइल रखना है, और जैसे ही अपलोड करोगे तो दूसरे के मोबाइल में वो वीडियो बार बार कम से कम 10-15 बार देख लेना है। इसकी वजह से इंप्रेशन वीडियो पे अच्छे आते हैं, तो यूट्यूब जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करता है। एक दो कमेंट भी कर देना दूसरे के मोबाइल से। और सबसे मेन चीज़, आपको अपनी मोबाइल से, जिस मोबाइल से अपलोड कर रहे हो उस पर आपको वीडियो नहीं देखनी है, कम से कम 1-2 घंटा तो नहीं देखनी है। तो उसमें से अगर आप देख लोगे तो यूट्यूब मतलब ऐसा ऐसा करता है कि मतलब ज़्यादा उसको फॉरवर्ड नहीं करता है, तो उसको आपको मतलब देखना नहीं है। और दूसरे को मोबाइल में कम से कम चला के छोड़ देना है, 10-15 बार उसको रिपीट कर देना है। मेरा भी मतलब देख सकते हो बहुत मतलब व्यूज़ कम आने लगा था, बीच में मैंने अपलोडिंग छोड़ दिया था तो चैनल फ्रीज हो गया था। वो फ्रीज को मतलब ऐसा हटाने के लिए मैंने वीडियोस डाल रहा था बट व्यूज नहीं आ रहे थे। बट ये जो शॉर्ट्स था, ये सब जो हैशटैग्स थे, वो सब यूज करके मैंने ट्रिक्स लगाया, फिर बाकी के लगा के मैंने यूज किया, तो मेरा चैनल पे मतलब अच्छा खासा ग्रोथ दिखने लगा। देख सकते हो आज मैंने वीडियो अपलोड किया था, इसमें 8,000 व्यूज गया प्लस, फिर इस पे जो कल किया था व्यूज नहीं आया था, फिर ऐसा यहाँ पे व्यूज, इसमें मैं मतलब 17 घंटे तक इसमें व्यूज ही नहीं आया था। आप देख सकते हो, एनालाइज कर मैं जाके दिखाऊँ तो आपको देख सकते हो कितना। R 16 घंटे तक इसमें व्यूज आया ही नहीं था, मतलब बहुत तो 3-4 व्यूज थे। और जैसे ट्रिक लगाया मैं, आप व्यूज देख सकते हो 1.2K प्लस गया था। तो वही जो टाइटल प्रोवाइड करेगा नीचे और यूट्यूब सर्च टर्म का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। उसके मतलब पेस्ट करते ही आप देखोगे 1-2 घंटे बाद आपका व्यूज का रनिंग बहुत ही बढ़ जाएगा। सो मैं जो हूँ ऐसा फेक मतलब वीडियोस तो बताऊंगा नहीं, छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। सो जो भी है आपको, जो मैं फेस करता हूँ और जो सॉल्यूशन लगाता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोई है नहीं कि कुछ भी बता दूंगा आपको, मतलब जो है यहाँ पे दिख रहा है मेरा भी कोई चैनल बड़ा है नहीं। ये सब जो है मैं पहले अपलोड करता था, तो देख सकते हो कितना अच्छा मतलब ये सब, वो सभी देख सकते हो मेरा हर वीडियो में वो जो टाइटल है, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग टिकटॉक, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब सब वीडियो में लगाया हुआ है। और व्यूज़ देख सकते हो 33K, 6K, 9K, और भी अच्छे अच्छे व्यूज़ आए हुए मेरे चैनल्स पे। आप देख सकते हो 28K, 21K, वो सब वीडियोस में आप देखोगे कि वो मैंने लगाया हुआ है हैशटैग। और फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट ट्रिक के बारे में हम बात करें तो ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है आपको करना, अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हो तो। उसके लिए आपको यहाँ पे यूट्यूब के सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको चैनल पे जाना है, और ये जो है यहाँ पे अगर वो आप लगाते हो कीवर्ड्स आपके चैनल के लिए, तो अगर आपका शॉर्ट्स वाला है तो यहाँ पे ये जो है, ये हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट्स क्रिएटर, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब जो है आपको यहाँ पे कीवर्ड्स में लिख देना है। अगर आप यहाँ पे नीचे का जितना ये सब है आप कॉपी कर सकते हो मेरा वाला ही, ये जो वर्मा जी का शॉर्ट्स है ये मत लगाना है, मेरे चैनल का नाम है उसके हिसाब से रखा हो। आपका जो चैनल है उसका लगा के आप यहाँ पे लगा सकते हो, अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हो तो। ये लगाने से आपका शॉर्ट्स फीड में हर एक वीडियो हो जाएगा, तो ये आप यूज कर लेना, ये बहुत ही खास मतलब ट्रिक है, तो प्लीज़ ये यूज़ कर लेना अगर आपको इंक्रीज करना है तो। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर जैसे मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।